नीट एग्जामिनेशन 2003 का, 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट 6 अप्रैल आपको लास्ट डेट है। आज रात 6 अप्रैल 9 PM तक आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आप नहीं भरे हैं वो आज रात 9 PM तक आप जो है, 6 अप्रैल 9 PM तक आप जो है नीट एप्लीकेशन का फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन नीट यूजी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, बीडीएस में एडमिशन लेना है, बीएएमएस में एडमिशन लेना है, बीएसएमएस में एडमिशन लेना है, बीयूएमएस में लेना है, बीएचएमएस में लेना है, ये सभी के लिए लास्ट डेट आपको 6 अप्रैल आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म लिंक आपको यहाँ पर, ये वेबसाइट आपको दिया हुआ है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको 6 अप्रैल आज लास्ट डेट है, तो आज जो है इसको फिलअप करें। जो स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आज इसको फिलअप करें। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको डेट आपको दिया हुआ है। एग्जाम डेट आपको 7 मई को आपको दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपको 9 बजे तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट नहीं भरे हैं वो आप इसको जल्दी से भर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म के बारे में ओवरव्यू आपको यहाँ पर आपको दे दिया जा रहा है। एग्जाम जो कंडक्ट होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगा। नीट एग्जाम का नाम नीट यूजी 2023 होगा। कोर्सेस उससे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अदर रिलेटेड कोर्सेस आप कर सकते हैं। जो सीट आपको ऑफर हो रहा है 1.3 लाख एमबीबीएस में एंड बीडीएस सीट है, और 50% ऑल इंडिया कोटा एंड 85% स्टेट कोटा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको रहेगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 6 अप्रैल आज लास्ट डेट है, 9 PM तक आप भर सकते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन फी आप जो है, आप आज 6 अप्रैल 11:50 तक आप उसको भर सकते हैं। एग्जाम का डेट 7 मई आपको दिया हुआ है। एग्जाम जो है पेन पेपर मोड में आपको होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 120 180 मैंडेटरी होंगे और 20 ऑप्शनल होंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको नीट का आपको दिया हुआ है। ये आपको फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का आपको यहाँ पर आपको नीट का आपको दिया हुआ है। जो स्टूडेंट एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में अदर यूजी मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज उसको 6 अप्रैल को लास्ट डेट है, आप इसको भरना जरूरी है। नीट का 2023 का एप्लीकेशन फी कितना होगा वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। ये डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई मोड ऑफ द पेमेंट के थ्रू आपको जो है इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फी आपको पे किया जाएगा। जीएसटी 18% प्लस सर्विसेज प्रोसेसिंग चार्ज पर ट्रांजेक्शन टू पेड सेपरेटली फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फी से आपको आपको यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी आपको इंक्रीज करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जनरल के लिए 1700 रुपये हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपये हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यू और ट्रांसजेंडर के लिए 1000 रुपये हैं, आउटसाइड इंडिया के लिए 9500 रुपये हैं। प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी आर टू बी बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी आपको आपको लगेगा लगेगा। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कैंडिडेट को आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नीट यूजी 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको नहीं है। जो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एनटीए की वेबसाइट में, द
The application form is other means not to be tolerated. Candidate must ensure the email address and mobile number provided in the applicant form on or parents only as a information communication. ये आपको ईमेल एड्रेस उसमें आपको आपको देना होगा. दूसरा, नो रिक्वेस्ट फॉर द रिफंड ऑफ फीस थ्रू द रिमिटेड बाय द कैंडिडेट इंटेंडेड बाय द एनडीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. फीस उसको किसी भी हालत में आपको वापस नहीं होगा. द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन. अपलोडिंग ऑफ द स्कैंड इमेजेस, पेमेंट ऑफ द फी एंड प्रिंटिंग ऑफ द कन्फर्मेशन पेज, ये सारे आपको ऑनलाइन होंगे. Therefore, candidates are not required to send submit documents, including by hand or email. से आपको आपको नहीं होगा. है ना? तो application form भरने के लिए आपको fee payment के लिए आपको detail आपको यहाँ stage wise आपको step आपको बताया जा रहा है. Step one, visit the official website. आप यहाँ पर आप ब्राउजर में विजिट करें. स्क्रॉल डाउन द पेज, क्लिक नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन. यहाँ पर आप उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें. डिटेल्स सच एज कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैपिटल लेटर मस्ट बी आपको करेक्टली फिल्ड होना चाहिए. द डिटेल मस्ट बी गिवन इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन. और जो आपको वहां पर रिकॉर्ड में है वही डिटेल आपको वहां पे भरना है. कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड ए वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फॉर द करस्पोंडेंस आपको करना है. दूसरा, कंप्लीट पोस्टर एड्रेस विद द पिन कोड फॉर द फर्दर करस्पोंडेंस आपको देना है. सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फिलिंग इन द रिलेवेंट डिटेल्स आपको भरना है. ए पासवर्ड एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी क्रिएटेड विच विल बी द क्रेडेंशियल और फिगर फॉर द लॉग इन फॉर द नीट एग्जामिनेशन. आपको पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा, जो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप उसमें आप यूज कर सकते हैं. है ना? ये आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है. फिर स्टेज टू में आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करेंगे यहां पर आपको बताया जा रहा है. फाउंड आउट द ऑनलाइन नीट यूजी एप्लीकेशन विद क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक डिटेल्स. है ना? देन कैंडिडेट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर एंड द लैंग्वेज. देन द नेक्स्ट सेक्शन में आपको जाना है. अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड फॉर्मेट मेंशन इन द नीट ब्रोचर में जो आपको डॉक्यूमेंट आपको करना है. देन क्लिक द सबमिट आफ्टर एंटरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है. स्टेज थ्री में नीट एप्लीकेशन फी पेमेंट आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है. अपलोड द फिलिंग द नीट एप्लीकेशन फॉर्म. द कैंडिडेट विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट फी पेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. सेलेक्ट द डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड कंप्लीट द स्टेप एज इंस्ट्रक्टेड. कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द कन्फर्मेशन पेज आफ्टर द पेमेंट. डाउनलोड नीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक ए प्रिंट आउट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको ले सकते हैं. है ना? तो जो जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंप्लीट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको यहां पर आपको दिया हुआ है जो कि आपको जरूरी है. पासपोर्ट साइज फोटो आपको साइज सेम है. पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर इस साइज में. सिग्नेचर आपको इस साइज में. लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इस साइज में. देन द डॉक्यूमेंट फेज टू में क्लास 10 पास सर्टिफिकेट इस साइज में. कैटेगरी सर्टिफिकेट इस साइज में. PWD सर्टिफिकेट इस साइज में. सिटीजन सर्टिफिकेट इस साइज में. तो ये सारे आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के आपको भरने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आपको लगेंगे. जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. जो आपको नीट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको स्टेज आपको बताया जा रहा है, कितने स्टेज में आपको स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री में कैसे आप उसका पेमेंट करेंगे, पेमेंट का डिटेल भी आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. कितना
पेमेंट आपको होगा, नीट एप्लीकेशन फीज आपको बताया जा रहा है, नीट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन होगा और यही लिंक है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी दी है। ये जो भी स्टूडेंट MBBS, BDS, आयुष अदर रिलेटेड कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको नीट UG 2003 आपको देना आपको जरूरी है। आज लास्ट डेट है 6 अप्रैल 9 PM तक इसको आप भर सकते हैं। ये वीडियो अगर लाभदायक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। आप नीट कोचिंग में एडमिशन के लिए आप साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट में डाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको नीट कोचिंग का आपको है।